फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि एंड वेलकम टू कुक विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बच्चों की फेवरेट चॉकलेट्स बना के दिखाऊंगी। तो देखिए कैसे बनाती हूँ मैं ये अमेजिंग चॉकलेट्स। ये देखिए फ्रेंड्स, आज हम ये कितनी अमेजिंग चॉकलेट्स हैं, ये मैंने कितने फ्लेवर्स में बनाई है ये बना के दिखाएंगे। यहाँ पे मैंने मिक्स फ्लेवर में बनाई है, वाइट चॉकलेट प्लस डार्क चॉकलेट। ये वाइट चॉकलेट है और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट चॉकलेट बनाई है। तो अब देखते हैं कैसे बनाऊंगी मैं ये चॉकलेट्स। देखिए फ्रेंड्स, चॉकलेट बनाने के लिए हम यहाँ पर चॉकलेट कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं। ये बड़ी इजीली सुपरमार्केट में या अमेजोन पे मिल जाता है। इसको यूज़ करके हम चॉकलेट बनाएंगे। और यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट चॉकलेट बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने काजू, बादाम और किशमिश यूज़ की है। हम अपना मनचाहा ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे चॉकलेट मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम ये अपने ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको रोस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक पैन ले रही हूँ और मैं अपने ड्राई फ्रूट्स को पैन में डाल रही हूँ और मैं इनको ड्राई रोस्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, करती हूँ मैं अभी ने ड्राई रोस्ट। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने दोनों कंपाउंड लिए हैं, इसको मैं कट कर देती हूँ और ये इसमें से इस तरीके से निकलेगा बाहर। और ये देखिए, अगर हमें बहुत ही डार्क फ्लेवर में चॉकलेट पसंद है तो हम डार्क कंपाउंड को ज़्यादा ले सकते हैं, और अगर हम दोनों 50-50 लेते हैं तो बहुत ही अमेजिंग सा फ्लेवर आता है। जैसे लाइक डेरी मिल्क की चॉकलेट हम खाते हैं वैसा फ्लेवर आपको आएगा। तो अगर आपने ये दोनों, अगर इसका वन पार्ट लिया है तो इसका भी वन पार्ट लीजिए, दोनों को इक्वल लीजिए, तो उससे बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है। तो मैं अब इसको काट लूँगी, एक ब्रिक में ये निकाल लूँगी, एक ये निकाल लूँगी। चॉकलेट बनाते हुए जब हम इसको निकालेंगे तो निकालने के बाद अच्छे से इसको हम टाइटली सील पैक करके ही रखना होता है, बिल्कुल टाइटली, इसमें अंदर एयर ना जाए तो ख़राब हो जाएगी अगर एयर जाएगी तो। और साथ में इस कुछ टिप्स होती हैं, वो मैं साथ साथ बताती चलूँगी कि जब भी हम, देखो इसको इस तरीके से बड़ी इजीली कट जाएगी। थोड़े से इसके छोटे हम टुकड़े कर लेंगे और फिर हम एक बर्तन लेंगे। और देखिए, मैं आपको अपना बर्तन दिखाती हूँ। ये हमने एक बर्तन ले लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है पानी। और हमें एक ऐसा बर्तन चाहिए जो कि इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। देखिए, कोई भी अपना बाउल लेके देख लीजिए, इसके अंदर डिप नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये ऊपर है, इसको मैं गैस के ऊपर रखूँगी और ऊपर से इसको रखूँगी, इसके अंदर हम चॉकलेट डालेंगे। ये देखिए, हम ऐसे इसके अंदर चॉकलेट डाल देंगे और मैं इसको गैस के ऊपर रखूँगी। और एक और बात, ये जो होती है ये डार्क, इसका जो फ्लेवर होता है बहुत ही हार्ड होता है और ये थोड़ी सी स्वीट होती है, तो हम दोनों को इक्वल रखेंगे, हमारा फ्लेवर बैलेंस हो जाएगा। अब मैं इसको गैस के ऊपर रखती हूँ और ये जो हमारे रोस्टेड ड्राई फ्रूट हैं इनको मैं क्रश करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना नीचे बर्तन रख दिया है बॉइलिंग पे और उसके ऊपर एक स्टील का बर्तन मैंने रखा है, उसमें मैंने अपनी चॉकलेट्स 50-50 दोनों तरह के कंपाउंड डाल दिए हैं, चॉकलेट कंपाउंड। अब देखिए, ये दोनों नीचे से जो पानी बॉयल हो रहा है उससे ये हमारी चॉकलेट मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैंने अपने दोनों कंपाउंड लिए थे और वो मेल्ट हो रही है। और उसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है वाइट चॉकलेट कंपाउंड, इसको मैं मेल्ट करूँगी माइक्रोवेव में। तो मैं इसको यहाँ पर मेल्ट होने देती हूँ, जब ये प्रॉपर मेल्ट हो जाएगा तो मैं बताऊंगी आगे क्या करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाइट चॉकलेट को भी मेल्ट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मेल्ट हो गई है हमारी चॉकलेट और मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब ये इनफ हीट नीचे से है, आ रही है। और ये देखिए, यहाँ पे हमने माइक्रोवेव के अंदर रखी थी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे दोनों ही चॉकलेट को, वाइट चॉकलेट को भी और जो हमारी ब्राउन है
चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, उसको भी हम अच्छे से मेल्ट करेंगे। ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है। इसको मैंने ओनली 30 सेकेंड्स ही किया था माइक्रोवेव, और मैंने निकाल के इसको अच्छे से, मिक्सिंग बहुत ज़रूरी होती है। अब इसको भी मैं अच्छे से गैस से उतार लेती हूँ, और उसके बाद मैं इसको भी अच्छे से मिक्स करती हूँ, फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे रोस्ट करके, मैंने उसको बारीक बारीक काट लिया है, और यहाँ पे हमारी चॉकलेट कंपाउंड भी मेल्ट हो गई है। और इसको अच्छे से ऐसे आपको बहुत अच्छे से इसको मिक्सिंग करनी होती है इसकी, इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है इसको बहुत अच्छे से दोनों को। और इसको जब हम चॉकलेट का आगे प्रोसेस चालू करेंगे, इसको जमाना शुरू करेंगे, तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, थोड़ा सा इसको हल्का सा कूल डाउन होना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। तो अब मैं यहाँ पे, हमारे पास इस तरीके से मोल्ड्स होते हैं, ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। ये मेरे सिलिकॉन मोल्ड्स हैं, प्लास्टिक के मोल्ड्स भी मार्केट में मिलते हैं। तो यहाँ मैंने मोल्ड्स लिए हुए हैं, और मैं आप अपनी चॉकलेट बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैं यहाँ पे पहले ड्राई फ्रूट्स वाली स्टार्ट करती हूँ। देखिए मैं, ये मेरे पास जो चॉकलेट है, कुछ मैं, ये देखिए, इसको इस तरीके से फिल करूँगी। इसको हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। देखिए एक तो इस तरीके से बन जाएगी, बीच में डाली ड्राई फ्रूट्स, ऊपर से फिर से चॉकलेट डाला, बीच में हम अलग चॉकलेट क्रंच मिलते हैं वो ले सकते हैं, कोई भी फ्लेवर बीच में इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स, मेरे पास अभी अवेलेबल थे तो मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। एक तो हमारा है ये मेथड, और दूसरा मैं क्या करूँगी, मैं इस बाउल के अंदर ही पूरे ड्राई फ्रूट्स को इस तरीके से डाल देती हूँ। मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ, और हम चाहें तो बिल्कुल प्लेन, जैसे आप खाते हैं मार्केट से प्लेन भी मिलती है चॉकलेट, तो बिल्कुल प्लेन भी बना सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ड्राई कोई फ्लेवर ही डालना है, कोई ड्राई फ्रूट डालना है या कुछ डालना है। अभी देखिए मैंने हार्ट शेप की बनाई थी, अब मैं ये वाली बना लेती हूँ अलग अलग शेप्स में। अब इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, ऊपर से जब ये जम जाएगी तो मैं इसको वाइट चॉकलेट से कोट कर सकती हूँ, या फिर मैं प्लेन वाइट चॉकलेट भी बना सकती हूँ। ये आप अपना, अपनी तरफ से अपना दिमाग लगा के कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने आइडियाज़ आप यूज़ कर सकते हैं कि अभी मैं इसमें ये डालूँ, कुछ भी डालूँ। अभी जैसे कि लॉकडाउन है तो अवेलेबल चीज़ें कम हैं, तो मेरे पास जो था अवेलेबल अभी मैं उससे बना रही हूँ। बाकी इसमें और भी हम कुछ भी अपने अलग अलग वेरिएशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये फ्लावर शेप में है, इसमें देखो मैं हाफ ये डालूंगी और हाफ में डालूंगी चॉकलेट। ये देखिए ये अलग बन गया बिल्कुल। तो अपना इसमें अपनी अपनी कुछ भी आप कर सकते हैं ना, सोच जहाँ तक आपकी सोच जाती है, कुछ भी करो, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज लगाओ इसमें। इसकी चोको बॉल भी बना सकते हैं, इसको मैं और थिक करके बॉल्स बना दूँ इनकी, फिर ऊपर से वाइट चॉकलेट कोटिंग करूँ। मैं वो भी कभी बना के दिखाऊंगी अपनी वीडियो में। और देखिए अब मैं इसमें से कुछ के साथ क्या करूँगी, इसके ऊपर से चॉकलेट डाल दूंगी। तो अब मैं इसको फ्रेंड्स, अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। इसको फ्रीजर में बिल्कुल नहीं रखना है, हाफ एन आवर लगेगा इसको सेटल होने में, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको सेटल करके। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चॉकलेट मैंने मोल्ड से निकाल दी है, और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी ये हाफ एन आवर में सेटल हो गई है, और मैंने कितने फ्लेवर्स में इन्हें बनाया है। आप इनको कंपाउंड लाके घर पे बनाइए, ये बहुत रीजनेबल आपको पड़ेंगी घर पे बनाने से, और बहुत फ्लेवरफुल, बहुत अच्छी बनती है। जब आप ये बनाना स्टार्ट करेंगे, मेरा यकीन है कि आप घर पर ही बनाएंगे, मार्केट से लाना भूल ही जाएंगे। तो गाइस प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।